नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। महिलाओं में हीमोग्लोबिन की कमी होना आम समस्या बनती जा रही है। खानपान और पोषक तत्वों की कमी होने से महिलाओं में परेशानी तेजी से पनप रही है। हीमोग्लोबिन में कमी रक्त में लोहे की मात्रा में कमी को कहते हैं। हीमोग्लोबिन शरीर को ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है। रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर एनीमिया होता है। हीमोग्लोबिन हमारे शरीर की सभी प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से काम करने में खास भूमिका निभाता है। हीमोग्लोबिन की कमी के कारण कई तरह की शारीरिक गतिविधियों में रुकावट पैदा हो सकता है। हीमोग्लोबिन की कमी से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। बता दें कि महिलाओं में हीमोग्लोबिन की कमी की वजह प्रेगनेंसी, पीरियड्स के दौरान ज्यादा ब्लीडिंग होना, जंक फूड और अनियमित खानपान या फिर विटामिन कैल्शियम आदि की कमी होना एक कारण बन सकता है। वहीं महिलाओं में हीमोग्लोबिन कम होने के लक्षण होते हैं ज्यादा थकान रहना, स्किन में पीलापन आना, दिल की धड़कनों का तेज होना, कमजोरी और थकान महसूस होना, सांस लेने में तकलीफ होना, छाती में दर्द, लगातार सिर में दर्द रहना। अगर आप भी डाइट के जरिए हीमोग्लोबिन का स्तर बनाए रखना चाहते हैं तो डाइट में आयरन युक्त आहार शामिल करें। इन फूड से आपके शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की मात्रा बढ़ेगी। आप अपनी डाइट में मांस, मछली, सोयाबीन, टोफू, अंडे, नट्स, ब्रोकली, हरी पत्तेदार सब्जियां, बीट्स, गाजर को शामिल करके आयरन की मात्रा अपने शरीर में बढ़ा सकते हैं। साथ ही आप अपनी डाइट में विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जैसे अंगूर, संतरा, नींबू, ब्रोकली, आम, कीवी जैसे खाद्य पदार्थों को भी शामिल करें। वहीं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी को किशमिश पूरा करती है। साथ ही फॉलिक एसिड की कमी को पूरा करना भी जरूरी है, जिसके लिए पालक, चावल, मूंगफली, छोले, किडनी बीन, एवोकाडो और लेटस को भी शामिल कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।